उस पवित्रता के बिना कोई कभी प्रभु को देख ही नहीं सकता। अरे स्वर्ग जाना दूर की बात है, उसके दर्शन करना दूर की बात है, उसके लाइफ में उतारना दूर की बात है, कहता देख भी नहीं सकता। हालेलुया। किसकी वजह से? अपवित्रता की वजह से। और पवित्रता ही अगर नहीं है तो आप परमेश्वर को अपनी लाइफ में कभी देख ही नहीं पाएंगे। मैंने पिछली बार भी शायद एक कहानी से सुनाई थी, और एक जगह मैं प्रचार करने के लिए गया, वहां भी मैंने एक कहानी से सुनाई। कई बार ऐसा लगता है ना, बड़े अच्छे से चल रहे हैं, बड़े बढ़िया से फर्स्ट क्लास चल रहे हैं प्रभु में, और अचानक छोटा सा पाप किया, फिर रोए, फिर आगे बढ़ गए, फिर चलते रहे, फिर कभी पाप किया, फिर प्रार्थना में आ गए, और कुछ दिन फिर सही चले, फिर शादी आई तो दो पैग लगा लिए, चलो कोई बात नहीं, फिर संगत में आगे हालेलुया चलते रहे, और फिर कभी आया, ओहो 2 रुपए चंगे बनते है ना, ठगला पर है ना, ठगले। आप क्या सोचते हो इसका कोई असर नहीं होगा? अच्छा एक कहानी बताता हूं मैं आपको, हकीकत बताता हूं। जब मैं ये पढ़ रहा था ना, तो एक कहानी, एक सीन मेरे सामने आया। बच्चे एक गेम खेलते हैं, सब सिटी का गेम, देखा कितने जो होते हैं सब सिटी को, एक ऐसे एक छोटा सा जिसपे 6 नंबर है ना, एक छोटा सा होता है जो है ना, वो खेलने का गेम की वो होती है ना, बॉल सी जो होती है, उसके 6 नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखे होते हैं, ऐसे फेंकते हैं, 6 आ गया तो 6 नंबर आगे बढ़ गया, 1 आ गया तो 1 नंबर बढ़ गया, 2 आ गया तो 2 बढ़ गया। तो उस सब्सिडी के गेम को कभी आप ना पूरी गौर से देखना, एक बंदा बड़ी मुश्किल से करता करता, एक एक दो दो तीन तीन करता करता ना, 50 पे या 30 पे पहुंचता है, अचानक से एक सांप आ जाता है आगे, जब सांप उसको काटता है उसको 10 नंबर पीछे कर देता है ना, हो ना, फिर उसे लगता मैं चल रहा हूं प्रभु में, चल रहा हूं, उसे लगता मैं खेल रहा हूं, 2 घंटे हो गए यार अभी तक 100 पे नहीं पहुंचा। उसका कारण यही है, कहीं ना कहीं सांप आपको डसता है, लगता मैंने तो 5 साल हो गए प्रभु जी, मैंने 10 साल हो गए प्रभु जी, पर आप उन सांप के डंक के नीचे आते ही क्यों हो, है ना। और करता करता देखे 99 पर है ना, 99 भी बंदा पहुंच जाता, बस 98 पे होता है बंदे को ऐसे लगता है 98 पे पहुंच गया, बस अब तो 1-2 नंबर की जरूरत है, मैं जीत जाऊंगा। आपको अपनी लाइफ में जीतना है शैतान से, हारना नहीं है। हालेलुया। पाप के आगे, बुराइयों के आगे हारना नहीं है। जैसे वो 98 से थोड़ा सा करता है, 1 आ जाता है, उसको साफ फिर डसता, पता नहीं कहां ले आके गिरता है, 10 पे के पता नहीं 3 पे आके गिरता है, कहां 99 पे पहुंचा, 10 पे आके गिरा, फिर बेचारा फिर लगता है। आज मसीहों की हालत ऐसी हुई पड़ी है ना, चलते चलते बड़ी बरकत लेने के बिल्कुल नजदीक हो जाते हैं, है ना, जैसे 100 कदम पे कोई आशीष है, और कम से कम 50 या 60 कदम परमेश्वर के नजदीक हो गए हैं बरकत लेने पे, है ना, पीछे देखते हैं बहुत सफर तय कराया हूं और बस नजदीक हूं, वहां के लगा लिया पैग, लगा ली बीड़ी, सूटा देखा मोबाइल में गंदे सीन व्यभिचार के, और ये काटा सांप ने पड़क देने पीछे, फिर कहना पता नहीं रूह छूंदा क्यों नहीं है,